नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही विशेष संचारी अभियान की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। सीएम योगी ने कहा कि साफ सफाई से हर बीमारी से बचा जा सकता है। गोरखपुर में हमने इंसेफ्लाइटिस से लंबी लड़ाई लड़ी है और हमारे जनप्रतिनिधि के साथ गोरखपुर वासियों ने इस लड़ाई में बहुत योगदान दिया है। विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में जो प्रदेश के अंदर न केवल दिमागी बुखार से बल्कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कालाजार, फाइलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, इन सभी से प्रत्येक व्यक्ति को बचाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम जिसे हम वर्ष में चार बार, हर तीसरे महीने में एक बार उस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं, आज कार्यक्रम फिर से अगले तीन महीनों का प्रारंभ होने जा रहा है। जो एक महीने पर व्यापक जागरूकता का अभियान होगा, मेलियां निकलेंगी, घर घर जाकर के आशा बहने एक एक परिवार के साथ दस्तक देंगे। ट्रेनिंग के कार्यक्रम हमारे पहले ही संपन्न। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज 49वां जन्मदिन है और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आज अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं। जन्मदिन के खास अवसर पर अखिलेश ने यूपी बोर्ड के टॉपर्स को लैपटॉप भी बांटा। इसके अलावा बड़े बड़े नेताओं ने अखिलेश को जन्मदिन की बधाई दी है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में शुक्रवार को एक साथ 9 वादों और करीब 15 प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई होगी। पूरे दिन कोर्ट परिसर में गहमा गहमी बनी रहेगी। श्री कृष्ण विराजमान और ठाकुर केशव देव के भक्त बनकर अदालत में याचिका दाखिल करने वाले वाणीगढ़ सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक साथ सामने होंगे। सभी वादों में श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन से कब्जा हटाने की मांग की गई है। बता दें कि जमीन से कब्जा हटाने के लिए सबसे पहला भाग 25 सितंबर 2020 में अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दायर किया था। खबर प्रयागराज से है, जहां कोराव थाना क्षेत्र के गाढ़ा गांव में करंट की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद क्षेत्रीय नेताओं के साथ ग्रामीणों ने सड़क पर चक्का जाम कर मृतक के परिवार को आर्थिक मुआवजे के लिए और विद्युत विभाग पर कार्रवाई करने की मांग की, जिसके मौके पर SDM ने पहुंचकर परिजनों को समझा बुझाकर मामले को करवाया। मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद और विभाग पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। ये जो घटना हुई है, ठीक है, इसमें जो भी लापरवाही जिसकी तरफ से हुई है, जिसकी भी इसमें गलती है, जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई संगत धाराओं में, जो पुलिस की IPC के अंतर्गत धाराएं बनती हैं उसमें निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। आपने तहरीर दी है, इसी बेसिस पर भी रिपोर्ट लिखी जाएगी और इसमें जो भी दोषी पाए। सुल्तानपुर में आज सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल एक अनियंत्रित ट्रक ने ई रिक्शे को टक्कर मार दी थी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोगों ने अस्पताल जाते समय दम तोड़ दिया। इसके अलावा एक व्यक्ति का अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल जानकारी लगते ही DM SP समेत तमाम अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे और हालात का जायजा लिया। बनारस लखनऊ हाईवे है, उस पे एक्सीडेंट हुआ है ओदरा गांव के पास और एक जो ई रिक्शा होता है उसकी टक्कर भरे हुए ट्रक से हो गई थी और काफ़ी तेज़ हुआ था। आमने सामने की टक्कर बताई गई है, तो
काफ़ी 8 यहाँ पर घायल आए थे। अभी जो प्राप्त सूचना है उनमें से 5 उनमें से मृत्यु हो गई है। जो घायल है उनमें से 1 की स्थिति अभी स्टेबल है, जैसा भी फिलहाल की सिचुएशन है उनका इलाज यहाँ हो जाएगा। 2 को अभी 1 रेफर हो चुके और 1 की अभी CT कराई जा रही है, उसके अनुसार उस पर निर्णय लिया जाएगा। बाकी अभी जाँच चल रही है, एग्जैक्टली घटना के डायनेमिक्स की जाँच चल रही है। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता आशुतोष जुड़ चुके हैं सुल्तानपुर से। आशुतोष, इस खबर पे पूरी जानकारी चाहेंगे, जहां एक तरफ तेज रफ्तार की वजह से जो घटनाएं हो रही हैं उसको नियंत्रित करने की पूरी कोशिश में प्रशासन जुटा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ तेज रफ्तार का कहर आए दिन देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, आपको बता रहे ये जिस तरह की घटना वारदात सामने आ रही है, बताया जा रहा है इसमें ट्रेलर की गलती है, वो दारू के नशे में ही जो है अपने ड्राइविंग कर रहा था, वही दूसरी तरफ जो है कंट्रोलिंग ना होने की वजह से बैटरी स्टेप पे जितने भी जो सवार थे वो जो है घटने में आ गए हैं, और उसी घटना को लेकर जो है लगभग 5 लोग की मौत बताई जा रही है और 3 की घायल बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव जुड़े थे सुल्तानपुर से। अलीगढ़ के जंगल में एक युवती गंभीर हालत में मिली है, राहगीरों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने गंभीर हालत में युवती को अस्पताल में भर्ती कराया। युवती का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवती के शरीर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। युवती के परिजनों का कहना है कि दहेज लोभी ससुराल पक्ष के गाड़ी सवार 4 लोगों ने हत्या के इरादे से उसे फांसी लगाई थी और मृत समझ के उसे जंगल में फेंक दिया। पूरे मामले में अब पीड़ित युवती के पिता की तहरीर पर ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मेरे से कह रहे थे मेरे फ्रेंड तेरे भाई की तबीयत खराब है, मैं भी तबीयत खराब है तो मेरे को लेके चलो, बोल रहे थे चलो ठीक है ले सकते हैं। उन्होंने मेरी लड़की 3 दिन से तो मेरे से दूर रखी थी, लड़की को दिया नहीं था, नौजी लाई थी, नौजी ला के मेरे साथ मारपीट करी थी, मेरा गले में चुन्नी डाली थी। मैं सोच रही थी मजाक करता है, मेरे साथ मजाक करता है वो, मैंने सोची मजाक ही कर रहा है क्या, मजाक कर रहा था, मैं सोची मजाक कर रहा था, उसने जैसे खींचा उन्होंने कपड़ा डाल दिया, कास्ट की मेरी ननद थी, गेट था मेरा हस्बैंड था, मुझे मार पीटा को गाड़ी में जैसे कि उसने नौजी निकल गया था और ये नहीं पता फिर मेरे को क्या हुआ था, मेरे को बेहोश हो गया था, मेरे मुँह में कपड़ा था। ये मामला जी मानागढ़ी तरफ से आ रहा था और ये लड़की मतलब हमारे गांव के पड़ोस में डेयरी है, वो डेयरी के पास मतलब पड़ी मिलना, और उधर से जिसने पल्ली तरफ से आ रहा है इधर से मतलब एक बलेरो गाड़ी गई और स्पीड में गाड़ी गई और उसके बाद में मतलब आ गई मतलब लड़की पाई पड़ी। अच्छा, आप वो क्या जब गाड़ी गई थी आप मौके पर थे वहाँ से? हाँ ऐसा, मैं 200 मीटर दूरी पर था उसका। अच्छा, कौन सी गाड़ी थी लगवा बलेरो? बहराइच के मीरपुरवा तहसील क्षेत्र में आबकारी विभाग ने एक्शन लिया है। आबकारी विभाग ने छापेमारी करते हुए लगभग 200 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। आबकारी अधिकारी ने बताया कि SSB की 70वीं बटालियन के सहयोग से छापेमारी कर कैलाशपुरी बैराज के पास अवैध शराब को बरामद किया गया है, लेकिन शराब तस्कर मौके से फायदा उठाकर फरार हो गए। जनपद में इस समय विशेष प्रवर्तन अभियान लगातार चलाया जा रहा है, तो रात में मेरे द्वारा जो लखीमपुर खीरी से एक बैराज है वहाँ पे गिरजापुरी बैराज, वहाँ से थाना सुजौली में अवैध शराब की सप्लाई लोग करते हैं, तो उसके लिए मेरे द्वारा SSB के सहयोग से कल दबिश का कार्रवाई की गई है। तो जो बैराज से रेल की पटरी के सहारे ये लोग सुजौली क्षेत्र के गाँव में जाते हैं, वहाँ पर अवैध सप्लाई करते हैं, तो मेरे द्वारा वहाँ पर पकड़ा गया है। वहाँ लगभग 200 लीटर अवैध शराब कच्ची बरामद की गई है। उस अवैध शराब को उसमें यूरिया नौसादर और ये पाउडर वगैरह मिलाकर के उसको बनाते हैं, तो वो शराब जहरीली भी हो सकती है, तो इसलिए उस पर हमने जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया थाना सुजौली को अलर्ट करने के लिए और लगातार। शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिले भर में बरसात के बाद होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए संचारी अभियान चलाया गया, जिसको DM ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर हरी झंडी दिखाई है। वहीं 1 जुलाई से सितंबर माह तक चलने वाले इस अभियान में संचारी रोग की रोकथाम के लिए सफाई अभियान के अलावा टीकाकरण और पानी से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत न केवल आम लोगों को जागरूक किया जाएगा, वहीं स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के
सभी कर्मचारियों की लगातार ड्यूटी कर निर्देश भी दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को देने का काम किया, और सभी अधिकारीगण, डीएम साहब हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, नगर आयुक्त जी हैं, सभी लोग इस अभियान को लेकर विभिन्न विभागों के जो झांकियां और रैली निकाली गई, उनकी गाड़ियां हैं, उन पर बैनर लगे हुए हैं, और बहुत अच्छा संदेश जाएगा। तो जनता को भी ये चाहिए कि वो अपने दरवाजे के सामने कूड़ा ना फेंकें, साफ सफाई रखें, इससे बीमारियाँ नहीं आएंगी। धन्यवाद। इसमें 1 जुलाई से सितम्बर तक ये विशेष अभियान चलेगा, फॉगिंग का, सफाई का, एंटी लार्वा और ये मेडिसिन किट वितरण का है। इसमें सभी विभाग सहयोग कर रहे हैं, कृषि विभाग, पशुपालन, आपका उद्यान, सभी विभागों को लाया गया, तो हम लोगों ने उसकी मीटिंग भी कर लिया है, और इसमें स्वास्थ्य विभाग का नोडल विभाग है। और जो राजधानी लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र सूरजकुंड भमरौली गाँव में आम उठाने गए 13 वर्षीय बच्चे की मौके पर मौत हो गई है, जिस पर गुस्साए परिजनों ने शव को दुबग्गा हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। परिजनों का आरोप है कि काकोरी पावर हाउस बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते हमारे बेटे की मौत हो गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझा कर मामले को शांत कराया। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।